बार बार हाथ धोने वाले कंपल्शन से किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बार बार हाथ धोने वाले कंपल्शन से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंटेमिनेशन ओसीडी के अंदर हमें बार बार हाथ धोने वाली जो प्रॉब्लम होती है, जो कंपल्शन हमें होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इन कंपल्शन को हमें कम करना होगा, इन्हें कम करने के लिए हमें इन कंपल्शन के प्रति अपना सेटिस्फेक्शन देना होगा। तो ये किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। टर्मिनेशन ओसीडी में क्या होता है कि आपने तय कर रखा है कि मैं 3 बार हाथ धोऊंगा, 4 बार हाथ धोऊंगा। तो इसके अंदर जानने वाली एक छोटी सी चीज है कि 3 बार हाथ धोने पे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो कि हाँ अब ये ठीक हो चुका है। यानी कि सेटिस्फेक्शन तो आपका खुद का ही है इसके अंदर कि मैं 3 बार हाथ धोऊंगा तो ये साफ हो जाएंगे, और अगर मैं 5 बार साबुन से नहाता हूँ तो मैं साफ हो जाऊंगा। तो इस तरीके का सेटिस्फेक्शन आपने अपने आप के लिए बना के रखा हुआ है, ये आपका खुद का सेटिस्फेक्शन है। इस तरीके का क्राइटेरिया आपने अपने लिए खुद से सेट कर रखा है। तो मैं यही चीज इसके अंदर बतानी चाहूंगा कि आपने जो क्राइटेरिया अपना सेट करके रखा हुआ है, उसी क्राइटेरिया में एक एक नंबर को घटाते जाएं। मान के चलो आप टॉयलेट जाने के बाद 3 बार हाथ धोते हो, तो अपने एक लेवल को घटा के 2 पे अपना सेटिस्फेक्शन ले आएं। कुछ समय के बाद दूसरे को हटाकर 1 पर ले आएं। इस तरीके से जब आप ये एक्टिविटी करते जाओगे तो आपको इसमें धीरे धीरे कंपल्शन कम होने लगेंगे। जब आपके कंपल्शन आपसे दूर होने लगेंगे तो आपकी ओसीडी खत्म होने लगेगी और धीरे 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 ये आपकी ओसीडी समाप्त हो जाएगी। तो ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही छोटी सी है और एक छोटी सी बात इसके अंदर समझने वाली है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो बहुत थोड़े समय में आप अपनी समस्या से अपने आप से निजात पा लेते हो और इसमें आपका अपने द्वारा ही ट्रीटमेंट हो जाता है। इस छोटी सी टेक्निक के द्वारा आप अपने आप से अपने कंपल्शन को कम कर सकते हैं, अपनी ओसीडी को हरा सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको भी इस तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।